नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हरपल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन को पश्चिम बंगाल में जोर का झटका लगा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने एकला चलो का नारा दे दिया है। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि टीएमसी लोकसभा चुनाव में अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी। ममता के इस ऐलान के साथ ही विपक्षी इंडिया गठबंधन की तस्वीर और भविष्य पर संकट के बादल गहरे हो गए हैं। ममता बनर्जी ने जब यह ऐलान किया, उपेक्षा का दर्द और तलखी भी झलकी। उन्होंने कहा कि मैंने जो भी सुझाव दिए वह सभी नकार दिए गए। इन सब के बाद हमने बंगाल में अकेले जाने का फैसला किया। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना यह भी कहा कि वह पश्चिम बंगाल में यात्रा करने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी शिष्टाचार के नाते भी उनको नहीं दी गई। ममता बनर्जी ने कहा कि इन सब को लेकर हमसे किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं हो पाई, ये पूरी तरह गलत है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी कांग्रेस पर जमकर बरसी और उन पर राहुल गांधी की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहने का भी कोई असर नजर नहीं आया। राहुल गांधी ने यह कहा था कि ममता बनर्जी और नीतीश कुमार समेत अन्य गठबंधन सहयोगियों के प्रमुख नेताओं को भी बुलाया जाएगा। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। देखो ये तो उनका काम है, ये ममता बनर्जी नहीं, कोई बात नहीं, वो हो सकता है कोई उनके साथ बातचीत चल रही हो उस लेवल पे, लेकिन पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस से हमारा कुछ। ममता बनर्जी ने दो टूक कहा कि हमने पहले ही कह रखा है कि कांग्रेस 300 सीटों पर चुनाव लड़े और क्षेत्रीय दलों को अपने क्षेत्र में बीजेपी से मुकाबला करने दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्रीय दल एक साथ रहेंगे, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि अगर वह हस्तक्षेप करेंगे तो हमें फिर से विचार करना होगा। उन्होंने गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस के करने को लेकर भी सवाल उठाए। गौरतलब है कि टीएमसी ने साफ किया था कि वह कांग्रेस को 2 सीटें देगी। कांग्रेस को 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में 42 में से 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने इसे लेकर तल्ख बयान भी दिया था। अधीर ने कहा था कि 2 सीटें तो हमें तब भी जीती थी, अब भी जीत सकते हैं, हमें टीएमसी से कोई भीख नहीं चाहिए। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव को 28 विपक्षी पार्टियां इंडिया गठबंधन के बैनर तले एक मंच पर आई थी। विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को पटखनी देने, चुनावी चुनौती देने का दम भर रहा था। आपने ममता जी का पूरा बयान नहीं पढ़ा है। ममता जी का पूरा बयान है, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, हम बीजेपी को हराने के लिए कोई कदम पीछे नहीं लेंगे। उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। जब हम लंबा सफर कर रहे हैं, एक लंबा सफर है, रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, कभी कभी लाल बत्ती आ जाती है, इसका माने नहीं है कि हम सफर से हम पीछे हट जाए। चलता रहता हूं, स्पीड ब्रेकर को हम पार करते हैं, लाल बत्ती हरी बत्ती बन जाती है। और कल यही सवाल राहुल जी से पूछा गया था, यही सवाल, और राहुल जी ने स्पष्ट उत्तर दिया कि ममता जी इंडिया गठबंधन टीएमसी और ममता जी विशेष रूप से, क्योंकि वो एक बड़े नेता हैं, टीएमसी के नेता हैं, भारत के नेता, बंगाल के नेता हैं, देश के नेता हैं, इंडिया गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ तृणमूल कांग्रेस। हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते, और हम उम्मीद करते हैं कि जो कल ममता जी ने कहा कि बीजेपी को हराना हमारा कर्तव्य है, हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है, उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। और हमें पूरा उम्मीद है कि जो बातचीत चल रही है वो कुछ ना कुछ एक मध्य का रास्ता निकाला जाएगा, और इंडिया गठबंधन भी पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेंगे और सभी पार्टियों का सहयोग होगा। इन्विटेशन आप दे सकते हैं प्रेस को? नहीं, मैं नहीं लिया हूँ, मेरे स्तर पर नहीं दिया जाता है। कांग्रेस को कोई इन्विटेशन नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष जी ने बात की है, राहुल जी ने बात की है, हमारे प्रभारी संगठन ने बात की है,
अगर कोई लिखित में इनविटेशन है मैं उसकी कॉपी मांगकर आपको दे सकता हूँ। लेकिन अब ममता ने बंगाल में विपक्षी गठबंधन को बड़ा झटका दे दिया है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आखिर आने वाले दिनों में INDIA गठबंधन का क्या भविष्य होगा, और साथ ही ममता बनर्जी के इस ऐलान के बाद क्या अन्य पार्टियां भी इसी तरीके के कोई निर्णय लेगी। चूंकि अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी लगातार कई जगहों पर कांग्रेस का विरोध करती आई है, तो क्या ममता बनर्जी के इस ऐलान के बाद और अन्य क्षेत्रीय पार्टियां भी इस तरीके के फैसले लेकर INDIA में भेद पैदा कर सकती है, ये देखने वाली बात होगी। तो मेरे साथ इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।